अब जो न्यू RDE नॉर्म्स आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग अब इसमें जो इंजन लेआउट है उसमें चेंजेस कर दिए हैं। आपको रिफाइनमेंट मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी, साथ में आपको जो फीचर्स है वो काफी बढ़िया मिलेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है ना, अब टाटा पंच आपके लिए हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा पंच। अब ये जो है टाटा पंच का पर्टिकुलर अकम्प्लिश्ड वेरियंट है। यार टाटा पंच जो है ना 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में। तो यार ये एक बहुत ही सेफ कार है, बहुत तगड़ी एक बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। बट एक जो डिपार्टमेंट है ना उसमें टाटा पंच को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ है, अब वो है इंजन रिफाइनमेंट। जो इंजन रिफाइनमेंट है उस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं टाटा पंच को बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है, क्योंकि 3-सिलेंडर इंजन है उसके साथ में इसका जो NVH लेवल है आपके कैबिन के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा बिल्कुल। बट अब वैसा नहीं रहा, टाटा ने जो न्यू RDE नॉर्म्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इंजन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। उसके साथ में आपको जो रिफाइनमेंट है वो पहले से बेटर हो गया, पहले से इंप्रूव हो गया। तो चलिए वो सारी चीजें हम देखेंगे, साथ में हम जो अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है उसके इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अगर प्राइसिंग की हम बात करें टाटा पंच अकम्प्लिश्ड वेरिएंट की, तो ये 7,64,000 में आपको एक्स शोरूम आ जाती है, और इसके अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 8,74,000 में आपको ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, और इस वक्त हम है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो ये जो शोरूम है इसकी जो अब लोकेशन है वो चेंज हो गई है, तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो एड्रेस है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली कॉल करके या विजिट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए प्राइसिंग हो गई, अब वॉक अराउंड हम देख लेते हैं कि आपको अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको टाटा का लोगो मिल जाता है सेंटर में। अब यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाती है और एक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है आपको थ्रू आउट यहाँ पे। ये हो गया। हेडलैम्प्स की अगर बात करते हैं तो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाते हैं। नीचे अगर देखिए तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक पायलट लैंप मिल जाता है। इसके अगर टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा पंच के फ्रंट प्रोफाइल से। विड्थ आप देख सकते हैं यार कितनी आपको चौड़ी ये गाड़ी लगेगी। रोड प्रेजेंस जो है ना इस कार का काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। अब विड्थ कितनी है, 1742 mm इसकी ओवरऑल विड्थ दी हुई है। काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस के साथ में टाटा पंच आपको ऑफर होती है। एक माइक्रो SUV सेगमेंट में ही आती है, और ये एक SUV वाला जो फील है पूरा आपको देने की कोशिश किया हुआ है टाटा में। तो टाटा पंच की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि जो ये सेगमेंट है माइक्रो SUV उसमें आपको SUV वाला फील मिल जाता है। अब वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि क्यों आपको SUV वाला फील है, इसमें आपको अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया और क्लास लीडिंग मैं बोलूँगा। अब साइड प्रोफाइल की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पे आपके जो व्हील्स है इसके अगर सेक्शन की बात करें तो 185/70R15 15 इंच के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर इसके व्हील्स की बात करें तो आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं, बट ये जो आपके व्हील कवर्स हैं यार ये बिल्कुल आपको अलॉय व्हील जैसे फील देते हैं। हाइपर स्टाइल आपको व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक, मतलब ब्रेकिंग का जो सेटअप है ये आपको मिल जाता है। और क्लैडिंग आप देख सकते हैं आपको थ्रू आउट जो क्लैडिंग है वो मिल जाती है। SUV वाला जो फील है पूरे कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएंगे टाटा पंच में। ORVM की अगर बात करते हैं तो ये बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो इंटीग्रेट किए हुए हैं। अब ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल का ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया हुआ है। अब डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, मतलब कीलेस एंट्री का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये एक फीचर भी आपको मिल जाता है, मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी आपको अंदर मिल जाएगा। ए पिलर और बी पिलर पूरा ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगा टाटा पंच के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि साइड प्रोफाइल में आपको क्लैडिंग भी देखने को मिल जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा आपको टाटा पंच के अंदर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यार ये जो है ना एक SUV के होते हैं जो आपको माइक्रो SUV में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यार 8.5 लाख में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको SUV वाले फील दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो अंडर 4 मीटर एक कार है। इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये 3827 मतलब 3827 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ मैंने आपको बता दी 1742 mm। अब इसके अगर व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको 2445 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। यार इसके जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेस भी अभी हम जाके देखते हैं अंदर। तो ये हो गया, मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने साइड प्रोफाइल की देख ली। अब जो रियर जो प्रोफाइल है उसके तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके जो टेल लैंप्स है वो आपको मिल जाते हैं। ये पूरे के पूरे हेलोजन बेस्ड है। टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। टॉप साइड में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। यहाँ पे इसके जो मैस्कॉट है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब सेंटर में आपको टाटा के यहाँ पे लोगो मिल जाता है, पंच की बोल्ड में बैजिंग, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको अकम्प्लिश्ड वेरियंट में ऑफर होता है। तो ये हो गया। अब इसके अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 1-2 पॉइंट्स आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और 2 आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं।
तो ये हो गया ग्राउंड क्लियरेंस, देखने में ही समझ में आ रहा है कितना हाई इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब टाटा पंच के अगर बूट स्पेस की बात करें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो बूट स्पेस है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर और दो आपको यहाँ पे आपकी जो नेम प्लेट है उसके लिए लाइट मिल जाती है। तो यहाँ अगर बूट स्पेस की बात करें तो आपको अकम्प्लिश्ड वेरियंट में पार्सल ट्रे भी ऑफर होता है, और नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी बड़ा इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लिप इसकी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो स्पेस वाइज अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगा। इसके नीचे अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो ये देख सकते हैं आप 185/70 R15 इंच का इसमें आपको फुल साइज टायर मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, फुल साइज़ आपको व्हील मिल जाता है। अब टॉप साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है जिससे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया, मुझे लगता है रियर प्रोफाइल की सारी चीज़ें देख ली है। तो ओवरऑल कुछ ऐसे लुक आते हैं टाटा पंच के रियर प्रोफाइल से। अब साइड प्रोफाइल में अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, और इसके अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको लगभग 19 KMPL का माइलेज मिल जाता है ARI के साथ में क्लेम्ड। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये जो डोर हैंडल्स हैं ना, ये भी काफ़ी यूनिक दिए हुए हैं टाटा पंच में, और इसके जो डोर्स हैं पूरे के पूरे 90 डिग्री में ओपन होते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए सारी चीज़ें हो गई। अब इंटीरियर में हम देख लेते हैं कि आपके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर डोर पैनल की बात करें तो वो हम देख लेते हैं। तो डोर्स तो यार काफ़ी हैवी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो वो इसीलिए क्योंकि 5-star सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो यार बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलेगी। डुअल टोन फिनिश में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है। पावर विंडो के बटन्स यहाँ मिल जाते हैं, आपका जो ORVM है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ बटन मिल जाता है। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है थोड़ा स्पेस, और यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल। स्पीकर्स इसमें आपको टोटल 4 मिल जाते हैं, और 2 आपको इसमें ट्विटर मिल जाते हैं। तो ये इसके साउंड का सेटअप है। यहाँ पे अगर इसके सीट्स की बात करें तो आपको मैनुअली यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सीट आपको यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक मिल जाती है, कुशन काफ़ी बढ़िया है, सीट काफ़ी वाइड इसमें मिल जाएगी, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टॉप साइड में आप देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। इसकी चाबी की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसी कुछ की आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इसमें अगर फंक्शंस की बात करें तो आपको एक लॉक, एक अनलॉक, एक फॉलो मी हेडलैम्प और एक बूट अनलॉक करने के ये 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, और दोनों के दोनों आपको रिमोट की ऑफर हो जाती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब अंदर बैठ के हम देख लेते हैं कि अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं टाटा पंच के अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में। तो सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं जिससे पूरा जो व्यू है एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी कट शेप में दिया हुआ है। यार जनरली अभी सबसे पहले यार टीटी बंद हो जाओ। तो सबसे पहले इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी कट शेप में दिया हुआ है। कंट्रोल्स की अगर बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये सारी बटन आपको क्रूज कंट्रोल की दी हुई है, और सेंटर में टाटा का लोगो। और अगर इसके लेफ्ट साइड में देखें तो आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब ये जो है कीलेस एंट्री इसमें दी हुई है, मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है, रिमोट की इसमें आपको मिल जाती है दोनों की दोनों। तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा वेलकम करता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आपको ये डिजिटल प्लस एनालॉग फॉर्म में दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में आपको MID दी हुई है, और राइट साइड में आपको जो स्पीडोमीटर है वो दिया हुआ है। अब इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो इस बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज, ट्रिप, रेंज, बहुत सारे जो फीचर्स हैं आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब राइट साइड में देखते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे इको का बटन, फॉग लैम्प का बटन और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन। तो ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस, और नीचे आपको ABC पैटर्न में 3 पेडल्स मिल जाते हैं, और एक यहाँ पे आपको डेड पेडल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो 7 इंच का इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अब ये जो है हरमन पावर्ड है, तो यार इसकी जो साउंड क्वालिटी है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। फ्लोटिंग स्टाइल में आपको ये टच स्क्रीन मिल जाती है, साथ में इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी आपको प्रीमियम मिल जाती है। और ये जो हरमन का सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इससे ऊपर वाले जो सेगमेंट है उसमें भी आपको ये साउंड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एकदम पक्की बात है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यार आपके पास अगर हरमन वाला सिस्टम है तो दूसरे से कंपेयर करके आपको वो कैसा लगता है, तो कंपैरेटिवली आप बताइएगा। तो ये हो गया। नीचे अगर देखें तो हैजार्ड का बटन, 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं आपको, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यार ये एकदम वाइट शेड में दिया हुआ है, और ट्राई एरो का इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैट फिनिश में दिया हुआ है।
उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ये जो बटन से काफ़ी प्रीमियम लगते हैं देखने में। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी कनेक्टिविटी, वो इसीलिए क्योंकि आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कनेक्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके साइड में आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, यहाँ थोड़ा स्पेस और यहाँ पे आपका 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया हुआ है। अब सेम इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब रिवर्स कैमरे की अगर क्वालिटी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपको जो रिवर्स क्या, अभी यार थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है धूप की वजह से, बट कैमरा जो है ना काफ़ी बढ़िया है। अब ये जो है गाइडलाइंस के साथ में भी आता है तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये हो गया, पीछे थोड़ा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको एक और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आ जाता है। हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है क्रोम टिप के साथ और दो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड लाइट भी मिल जाती है, कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। तो ये हो गया। टॉप साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, सेंटर में आपको IRVM मिल जाता है जो डे एंड नाइट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, कैबिन लाइट, माइक आपका, और लेफ्ट साइड में देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। तो ये हो गया। अब टाटा पंच के अगर सेफ्टी की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यार सेफ्टी तो क्या बोलना, मतलब 5-star सेफ्टी रेटिंग मिली है, मतलब 5 सितारे इसमें चमक रहे हैं। तो ये हो गया। अब उसके अलावा क्या मिलता है आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एयरबैग, मतलब ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड आपको डुअल एयरबैग मिल जाता है और साथ में ABS EBD आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो ये हो गया। और साथ में अब जो न्यू लेटेस्ट नॉर्म्स आ गए हैं वो भी आपको इसमें अब देखने को मिल जाएंगे। उसकी अगर बात करें तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, तो ये जो फीचर है वो भी अब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया। तो यार पहले से ज़्यादा सेफ हो गई है, साथ में इसमें जो आपको रिफाइनमेंट था वो पहले से बेटर हो गया। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है ना अब टाटा पंच आपके लिए हो गई है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने देख ली है। कुछ अगर यार मिस डाउट हो गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे लगता है लगभग तो सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए ये हो गया। अब सीट्स की अगर बात करें तो यार टाटा पंच की जो सीट्स है ना काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन काफ़ी बढ़िया है, जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग ड्राइव्स में कभी भी आपको ये इशू नहीं होगा कि आपको थोड़ी सी भी थकान हो रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कंफर्ट लेवल जो है टाटा पंच की सीट्स का काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब जो सीट है उसको मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और जो रियर सीट है उसका कंफर्ट हम देख लेते हैं। तो मुझे लगता है यार ऑलमोस्ट तो हो गया यार, चलो सब चीज़ें हो गई। अब रियर सीट में चलते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और रियर सीट में जाके हम कम्फर्ट देख लेते हैं कितना आपको ऑफर होता है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से ये डोर जो है ओपन हो जाता है और डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, स्पेस, नीचे बॉटल होल्डर और यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल। तो ये हो गया। सीट्स की अगर बात करें तो काफ़ी वाइड सीट है, कुशन काफ़ी बढ़िया है और हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते, मतलब फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए हुए हैं। अब बैठ के हम देख लेते हैं कि कितना आपको स्पेस ऑफर होता है सेकेंड रो में टाटा पंच के। अब यहाँ पर हम आ गए हैं सेकेंड रो में और आप लेग रूम देख सकते हैं कितना बढ़िया मुझे मिल रहा है यार, काफ़ी बढ़िया। और ये जो सीट है यार बहुत कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है यार। जो कॉम्पिटिटर्स है ना इसके, उससे आपको बढ़िया इसका जो कम्फर्ट है वो मिलने वाला है। सीट काफ़ी वाइड आपको मिल जाएगी, 3 पैसेंजर इजीली बैठ के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है। हम्प की अगर बात करें तो एकदम माइनर से आपको हम्प मिल जाता है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए तो थोड़ा स्पेस आपको मिल जाता है, तो यार कंफर्ट के मामले में तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया है, जो लॉन्ग ड्राइव्स में आपको कभी भी इसमें इशू नहीं आने वाला। तो ये हो गया। अब रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है टाटा पंच के अकम्प्लिश्ड वेरिएंट का, तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। अगर इसमें फीचर्स की बात करें तो आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में, और साथ में आपको यार क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है इस वेरियंट में, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए ये हो गया। अब इसकी जो सबसे मेन जो USP है, अभी जो चेंजेस आए हैं इसमें वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो इंजन बे है उसमें सबसे बड़े जो चेंजेस हैं वो अभी आए हैं, जो टाटा के साइड से आए हैं। तो यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये है टाटा पंच का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन सीरीज का पेट्रोल इंजन। यार ये 3 सिलेंडर है, इसमें पहले वाइब्रेशन हुआ करते थे, बट अब जो न्यू RDE नॉर्म्स आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग अब इसमें जो इंजन लेआउट है उसमें चेंजेस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। पहले जो ये फिल्टर था, एयर फिल्टर आपको यहाँ मिलता था, अब ये यहाँ पर आ गया और इसका जो रिफाइनमेंट लेवल है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। पावर की बात करें तो इसमें आपको लगभग 85 BHP का पावर मिल जाता है और साथ में 113 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें आपको लगभग 19 KMPL का ARI के साथ में क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। तो ये हो गया। टॉप साइड में आपको NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसुलेशन भी दिया हुआ, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है।
पहले से काफी इम्प्रूव्ड हो गया है इसके जो NVH लेवल है वो, और रिफाइनमेंट पहले से बढ़ गया है। तो देखा आपने टाटा पंच के जो न्यू जो एमिशन नॉर्म्स आ गए, न्यू RD नॉर्म्स है, तो उसके लिए जो है टाटा प्रिपेयर हो गया। और पहले जो क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ता था अपने जो इंजन है उसके लिए, जो इंजन रिफाइनमेंट है उसके लिए, तो वो अब जो है उसमें कंप्लाई कर दिया है उनने, और सारी की सारी चीज़ें जो है ना अब इम्प्रूव कर दी है पहले से। तो रिफाइनमेंट बढ़ गया है पहले से और साथ में NVH लेवल कंट्रोल हो गए। ये एक डिपार्टमेंट था जिसमें क्रिटिसाइज़ करते थे लोग, अब वो चीज़ चले गई है। आपको रिफाइनमेंट मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी, साथ में आपको जो फीचर्स है वो काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो 7,64,000 में आपको ये एक्स शोरूम आ जाती है, अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है ये, और 8,74,000 में ये आपको ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो कैसी लगी कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।